Hey guys, welcome back to our channel and I am Arjo Sharma. Today we will discuss about a new question of reasoning. आज हम new question करेंगे reasoning के. Reasoning जैसा कि guys आपको पता ही है कि हर competitive exams में आती है और एक हम important part direction कर रहे हैं reasoning का. जो सैनिक school, military school और जो old competitive exams होते हैं उनमें भी आती है. ओके, तो डायरेक्शन का ये पार्ट फोर या बोल सकते हैं क्लास फोर्थ है. इसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे. कल मैंने आपको एक करने के लिए क्वेश्चन दिया था जो मे बी आपने कर लिया होगा. उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना था. तो देखेंगे किन किन बच्चों ने कमेंट किया और किन किन बच्चों ने राइट कमेंट किया है वो भी चेक करेंगे और देखेंगे उस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा. तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. I am Arjo Sharma, 3 years of teaching experience, have taught at various coaching institute, teaching law for CLAT and star and verified educator at an academy और Ascent coaching institute पे भी मैं टीच कर रही हूँ. जहाँ से आप देख पा रहे हैं अपना चैनल जो सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल हमने चैनल क्रिएट किया है. ओके ओके गाइज, तो आज की क्लास जो रहने वाली है वो भी डायरेक्शन टेस्ट पे रहने वाली है और ये कौन सा है, पार्ट फोर है. इससे पहले तीन पार्ट हम कर चुके हैं. जिन बच्चों ने पहले वाले तीन पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले वाले तीनों पार्ट्स देख ले पहले, उसी के बाद पार्ट फोर देखें. इसमें कुछ हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे डिस्कस आज. ओके गाइस, तो ये तो हमने बेसिक डिस्कस किया था. आप सभी को पता ही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. तो क्या ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ और जो बीच वाली डायरेक्शंस होती है, जो सब डायरेक्शन होती है वो भी आपको पता चल गई. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. ओके, अब इसके बेस पे मैंने कल आपको एक करने के लिए एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला है ना. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा. वन मॉर्निंग, एक सुबह, आफ्टर सनराइज, सूरज निकलने के बाद, रोहित व्हाइल गोइंग टू स्कूल मीट हिज फ्रेंड रोहन. रोहित सन निकलने के बाद क्या करते हैं, एक दिन सुबह सुबह स्कूल जा रहा है रोहित. ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हो वैसे रोहित ही स्कूल जा रहा है और अपने फ्रेंड रोहन से मिलता है. वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं. इफ दे आर फेसिंग ईच अदर एंड रोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहित. अगर रोहन की जो शैडो है, रोहन की छाया है, वो रोहित के राइट हैंड साइड है, इन विच डायरेक्शन वाज रोहित फेसिंग. तो रोहित का फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है ये आपको बताना है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है. ओके, तो चलो आज हम देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा और इसे कैसे सोल्व करते हैं. आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और जिन बच्चों ने कर लिया है, नहीं किया है, वो समझ सकते हैं ध्यान से. देखिए, वन मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमें पता है सन कहाँ होता है. कल भी मैंने ये बताया था, मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ. और उस जो भी पर्सन खड़ा होता है या खंबा खड़ा है, ये मान लीजिए कोई भी थिंग्स पड़ी है, वो उसकी छाया कहाँ बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी. कहाँ बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगी. ठीक है, अब ईस्ट में कोई चीज, ईस्ट में सन है और कोई चीज खड़ी है या कोई पर्सन खड़ा है, उसकी छाया कहाँ बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगी. और इसी तरीके से अगर वेस्ट में सन है, मतलब सनसेट का अगर टाइम है, तो छाया कहाँ गिरेगी, कोई चीज पड़ी है, कोई थिंग्स पड़ी है या फिर कोई गाड़ी खड़ी है, उसकी छाया कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगी. अब इसी के बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा. अब हमें दिया क्या हुआ है कि सूरज निकलने के बाद मॉर्निंग में रोहित क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और स्कूल जाते टाइम उसको उसका फ्रेंड रोहन मिलता है. तो ये सन राइज का टाइम है. रोहित और रोहन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं आमने सामने खड़े होके. मान लेते वो ऐसे खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं. अब क्या बोला है, इफ दे आर फेसिंग ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं वो. ठीक है, इस तरीके से. अब वो क्या कह रहा है, रोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहित. अब रोहन, रोहन की शैडो अगर यहाँ खड़ा है तो रोहन की शैडो कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी. और वो रोहित के क्या है, राइट हैंड साइड है. अब हमें तो पता तो है कि शैडो कहाँ गिर रही है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ गिर रही है. मतलब रोहित का, रोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहित. रोहित का शैडो कहाँ गिरेगी, रोहन की शैडो करेगी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ.
और रोहित का राइट हैंड होगा कहाँ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर रोहित का राइट हैंड होगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ तो राइट रोहित को कहाँ खड़ा करेंगे, यहाँ। और जो रोहन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको सही से समझाते हैं, चलो देखिए सही से समझते हैं इसको। ये मैंने सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं शुरू से इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ मान लेते हैं सन है अपना, और रोहित और रोहन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब हमें नहीं पता कि, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि रोहन की जो शैडो है वो रोहित के राइट हैंड साइड गिर रही है। अब रोहन अगर सन राइज के बाद खड़ा होगा तो ये मैंने बताया कि कोई भी चीज़ खड़ी होगी, खंबा होगा, कोई चीज, कोई कार है, उसकी साइडों कहाँ बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। और वो रोहन के किस साइड गिर रही है, राइट हैंड साइड, मतलब रोहन रोहित का राइट हैंड साइड कहाँ होगा, वेस्ट वाली साइड होगा। तो रोहन की साइडो यहाँ गिर रही है और रोहित का ये वाला साइड कौन सी, राइट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। अब रोहित यहाँ क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अगर यहाँ खड़ा होगा तो ये उसकी कौन सी साइड गिरेगी, लेफ्ट हैंड साइड गिरेगी, और ये राइट हैंड साइड होगा। तो साइडो किस साइड बन जाएगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो फेस किस तरफ होगा, अब पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन वाज रोहित फेसिंग, रोहित का फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, तो ये आप देख लीजिए कौन सी डायरेक्शन की तरफ है। तो रोहित का फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, साउथ की तरफ है। कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, साउथ की तरफ है, ये यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कल का क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक मैन का फेस है वो वेस्ट की तरफ है, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर दोबारा से उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ही, वो कितना मुड़ेगा, पहले 45 मुड़ता है, फिर 180 डिग्री मुड़ता है, देन 315 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 315 वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये साउथ वेस्ट होगा, साउथ होगा, वेस्ट होगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, जितनी वीडियोस आ रही हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, उन क्वेश्चंस को निकाल निकाल के देखते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, पूछिए। इससे क्या होगा कि जितने वीडियोस आ रही हैं उनमें से जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और उन्हीं के अराउंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देख लेना, अगर इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट पैटर्न चेंज नहीं होगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, बट जितने क्वेश्चन कर रही हैं वो हमें क्या करने हैं, बिल्कुल समझ के अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक मैन कहाँ है, फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे वो मैन खड़ा है और उसका फेस कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, फिर वो क्या करता है, क्लॉकवाइज मुड़ता है। मान लीजिए वो मैन यहाँ खड़ा है और वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, अब वो क्या करता है, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, है ना, क्लॉक की सुई जैसे चलती है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ऐसे चलेगी, ठीक है, क्लॉक ऐसे चलती है ना। तो यहाँ से वो क्या करता है, 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ेगा मतलब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ आ गया, एक मिनट, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 45 डिग्री मूव करवाया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका फेस आ गया। अब क्या दिया है, उसके बाद वो दोबारा से 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब 90 ये, 45 ये, और 45 आगे वाले, ठीक है, 45 क्या करेगा, आगे वाले मूव करेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन में अब उसका फेस आ गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस आ गया। पहले वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, उसके बाद उसने 45 डिग्री मूव किया, उसके बाद फिर वो क्या करता है, 180 डिग्री मूव करता है, अब उसका फेस आ जाएगा कहाँ, साउथ ईस्ट की तरफ। उसके बाद वो क्या करता है, 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 315 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 ये वाले, 45 ये,
और 90 ये वाले, 45 ये और देन 45 ये, इस तरीके से हम पूरा अगर हम करेंगे 135 तो कितना आ जाएगा, 315 तो कितना काम आ जाएगा उसका फेस साउथ की तरफ उसका फेस आ जाएगा। फिर वो दोबारा से यहाँ पहुँच के क्या करता है, वो टर्न कर लेता है 315 डिग्री। अब 315 डिग्री हम कैसे कंप्लीट करेंगे, 45 डिग्री ये वाले मूव करवाएंगे, देन 90 डिग्री ये वाले मूव करवाएंगे, फिर 45 ये मूव करवाएंगे इस तरीके से, फिर ये 45 ये और फिर 90 ये। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ है उसका फेस देख लीजिए, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, देखिए साउथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक शॉर्ट मतलब ट्रिक बताती हूँ आपको, आपको पता है क्लॉकवाइज से, ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, कट हो जाता है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्लॉकवाइज वाले इकट्ठे करने हैं, 45 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, तो क्लॉकवाइज वाले अपने पास कितने आ गए, 225 आ गए। अब एंटी क्लॉकवाइज उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, जो बड़ा है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस किया तो 90 डिग्री कितना बच जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बच जाएगा। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है क्या कि 45 और 180 को प्लस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, 315 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब बड़ा कौन सा है, 315 है, तो एंटी क्लॉकवाइज में से अगर हम क्लॉकवाइज माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जहां वो देख रहा है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था, वहां से 90 डिग्री आपको सीधा ही क्या घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्योंकि बाकी हमने कट कर लिया, कट करके हमारे पास बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देख वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रहा था और हमने 90 डिग्री क्या किया, उसको मूव करवाया जब एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका राइट आंसर आ गया साउथ। क्लियर है, जिस बच्चे को डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X started walking from a point and walked 10 km toward north. X क्या है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है एंड ही वॉक्स 10 किलोमीटर टू आर नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। ही टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर चलता है। ही नाउ वॉक्स 10 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है एंड स्टॉप एट ए पॉइंट बी, और बी पे रुक जाता है। हाउ फार इज स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये आपको बताना है। तो बी से आपको दूरी देखनी है जहां से वो चला था। ऑप्शंस दिए 17 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको सोल्व करना है और देखना है। तो ट्राई करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मे बी आपके लिए बहुत इजी होगा ये क्वेश्चन। इससे हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको करने की कोशिश करिए, ये मत समझिए ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, किया करना कुछ नहीं होता है, बस शुरुआत करनी होती है, जहाँ से जो समझ में आ रहा है कर दीजिए, ठीक है, नहीं हो रहा वो अलग बात है, ट्राई जरूर कीजिए। तो ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके गाइस, चलो सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था कि एक्स क्या करता है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। मान लीजिए ये वाला वो पॉइंट है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँच के क्या करता है, वो एक राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 20 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पहुँच के वो क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, वो यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पहुँच के क्या करता है, दोबारा से क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर चलता है। इस तरीके से वो कहाँ पहुँच गया, इस पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, बी है, जहाँ वो पहुँच चुका है और स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था। तो अब जहाँ पहुँचा है और जहाँ से चला था उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये सेम सेम है,
ठीक है, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। तो 10 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। जिनका ऑप्शन नंबर बी आया है वो कमेंट करके बताएंगे कि मेरा सही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अम इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ डी, विच इज टूवर्ड साउथ ऑफ आर। क्या है, एम जो है ईस्ट में है डी के, और जो डी है वो क्या है साउथ में है आर की। एन इज टूवर्ड साउथ ऑफ एम, एम के साउथ में कौन है, एन है। आर इज टूवर्ड विच डायरेक्शन ऑफ एन, आर कौन सी डायरेक्शन में है एन के रिस्पेक्ट में, ये आपको बताना है। ईस्ट ऑप्शन नंबर ए, बी नॉर्थ वेस्ट, सी साउथ वेस्ट और डी नॉर्थ, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। चलो हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए देखिए क्या दिया हुआ था, एम इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ डी। सबसे पहले डी को बनाइए, ठीक है। एम क्या है उसके, हमने सबसे पहले क्या किया, डी को बना लिया, और एम क्या है उसके रिस्पेक्ट में, ईस्ट में है। हमें नहीं पता कितने किलोमीटर पे है, बट विद रिस्पेक्ट कहाँ है, ईस्ट में, हमें एम यहाँ बना लेंगे। डी विच इज साउथ ऑफ आर, आर के साउथ में है डी जो है वो, आर के साउथ में है, मतलब आर अगर यहाँ होगा तो डी क्या हो जाएगा, आर के साउथ में हो जाएगा। अब आगे क्या दिया, एन इज टूवर्ड साउथ ऑफ एम, एन जो है वो साउथ में है किसके, एम के, तो इसके साउथ में करेंगे तो एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना डायग्राम बन जाएगा जो पिक में आपको सही सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ था, देखिए अब हमसे पूछा है आर इज टूवर्ड विच डायरेक्शन ऑफ एन, आर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है एन के रिस्पेक्ट में। तो एन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो एन यहाँ है और आर वहाँ है। तो ये वाला पॉइंट अगर हम किसके ऊपर रखें, एन यहाँ, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हम एन के ऊपर रखते हैं तो क्या बनेगा, बीच वाली डायरेक्शन देखते हैं क्या बनेगा। ये देखिए ऐसे बन जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ, और बीच वाली को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। इन द इवनिंग रीटा एंड सीता वर वॉकिंग टॉकिंग विद ईच अदर फेस टू फेस। इफ रीटा सैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सीता, इन विच डायरेक्शन वाज रीटा फेसिंग। अब रीटा और सीता क्या कर रही हैं, इवनिंग में एक दूसरे के सामने खड़े हुई हैं और बातचीत कर रही हैं। रीटा की जो छाया है वो सीता की राइट हैंड साइड है, मतलब रीटा की छाया कहाँ गिरेगी, वहां उसका क्या है, सीता का राइट हैंड है। इन विच डायरेक्शन वाज रीटा फेसिंग, रीटा का फेस कौन सी डायरेक्शन में, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो हम सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। अब इवनिंग में दिया है, इवनिंग में वेस्ट में होता है सन, और वेस्ट में अगर सन होगा तो कोई थिंग्स, कोई पर्सन खड़ा होगा, उसकी छाया कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ कौन खड़े हैं, रीटा और सीता के खड़े हैं, छाया गिरेगी कौन सी डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ। अब क्या कह रहा है, इफ रीटा सैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सीता, सीता के राइट हैंड साइड है, क्या है, सीता के राइट हैंड साइड है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सीता का राइट हैंड होगा। तो अगर सीता को हम यहाँ खड़ा करते हैं तो ये वाली लेफ्ट साइड होगी और ये वाली राइट साइड होगी, तो मतलब छाया कहाँ गिरेगी, लेफ्ट साइड गिरेगी। अगर सीता को यहाँ खड़ा करते हैं तो कहाँ गिरेगी छाया, राइट हैंड साइड गिरेगी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ध्यान से, हमें दिया था कि छाया कहाँ गिरेगी, रीटा की कौन सी साइड गिरेगी, ईस्ट वाली साइड गिरेगी, और ईस्ट वाली साइड ही क्या है, रीटा का राइट हैंड है, सीता का राइट हैंड है। तो सीता का राइट हैंड कब होगा, ईस्ट वाली साइड, जब वो कहाँ देख रही होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन वाज रीटा फेसिंग, तो रीटा का फेस हमें पता चल जाएगा कौन सा होगा, साउथ की तरफ होगा। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि सन ए वेस्ट में है, दो पर्सन खड़े हुए हैं, बट रीटा और सीटा को डिसाइड करना होता है, तो सबसे पहले देखिए सैडो, सैडो को पकड़िए, सैडो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, हमें पता है वेस्ट में सन है तो
ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगी। अब देखिए कि वो किसके राइट या लेफ्ट गिर रही है। अब हमें यहाँ देखा गया कि वो सीता के राइट हैंड साइड गिर रही है, मतलब सीता को ऐसे खड़ा करना है कि सीता का राइट हैंड साइड हो ईस्ट की तरफ। तो अगर यहाँ खड़ा करेंगे तो नहीं होएगा, लेफ्ट साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगा साइडों की तरफ या ईस्ट की तरफ। और यहाँ खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उसका कौन सा आएगा, राइट हैंड आएगा, कहाँ, साइडों की तरफ। अब पूछा है रीटा का फेस, तो अब सीता अगर यहाँ खड़ी हो गई, उसका फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो ग्रीटा का फेस कहाँ हो जाएगा, साउथ की तरफ। तो आज हम करेंगे इतने ही क्वेश्चन। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। इसके बाद जो तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम लेके आएंगे ब्लड रिएशन पे, कुछ प्रैक्टिस सेशन जो डायरेक्शन के हो सकते हैं या फिर बीच में जो भी टॉपिक होते रहेंगे वो मैं डालती रहूँगी। बट इस क्लास में अब तक जो जितने भी पार्ट्स हुए हैं, 4 पार्ट हुए हैं, उनमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर कर लिए हैं आपके साथ। बाकी मेरे को कुछ नए क्वेश्चन जो मिलते हैं जो आपके साथ शेयर करने चाहिए वो मैं प्रैक्टिस सेशन में डाल दूँगी आपके लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।